Name, regression. रिग्रेशन अगर दो वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को रिलेटेड है, इनके दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है, वीक है, स्ट्रांग है, इंटरमीडिएट है, परफेक्ट है, ठीक है जी। तो फर्दर जब हम रिग्रेशन मॉडलिंग करते हैं, यानी रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन मॉडलिंग का मतलब है द एनालिसिस ऑफ डेटा थ्रू रिग्रेशन मॉडल, यानी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा, ये रिग्रेशन के थ्रू। तो रिग्रेशन हमें दो बातें बता देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचना, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो इसके दरमियान ये लाइन खींचना रिग्रेशन का काम है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको x की वैल्यू मालूम है तो ये y के वैल्यू को प्रिडिक्ट कर देगा, y के वैल्यू को ये प्रिडिक्ट कर देगा। यानी अगर इंडिपेंडेंट की वैल्यू आपके पास है तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू को ये प्रिडिक्ट कर देता है। इसका जो फॉर्म्यूला है वो ये है, y hat is equal to a plus bx, where a is equal to y bar minus bx bar, और b is equal to sigma xy minus sigma x sigma y divided by m divided by sigma x square minus sigma x whole square divided by m, ठीक है जी, ये इसका फॉर्म्यूला है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है इसको हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ये जो है ये रिग्रेशन इक्वेशन, इसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल एक तरफ मेरे पास जो है ना वो एज है 1, 2, 3, और दूसरी तरफ जो है वाई वो वेट है, क्या है, वेट इन केजी, ये मेरे पास 2, 4 और 6। अब इस फॉर्मूला को देखते हुए y is equal to a plus bx, a मालूम करेंगे फिर b मालूम करेंगे, वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, आपके पास ये प्रिडिक्ट होके आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू द b, ये b का जो फॉर्मूला है इसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन करें, हाँ, और फिर उस फॉर्मूला में पुट करके b कैलकुलेट करें, फिर a कैलकुलेट करें। तो यहां पर आपके पास सिग्मा x जो है वो 6 है, सिग्मा y जो है वो आपके पास है 12, ठीक है, ये तो आपके पास आ गए, तो सिग्मा x और सिग्मा y आपके पास आ गए। सिग्मा xy को यहां पर आप करें 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 6 3s are 18, तो सिग्मा xy आपके पास यहां आया 28, ये भी आपके पास आ गया, ये वाला भी सिग्मा x सिग्मा y भी आया, n आपके पास ऑलरेडी 3 है पैर की सूरत में। अब x स्क्वायर यहां पर आप x स्क्वायर कर दें 1 4 9, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आया 14 आया, 14 आया, yes, अच्छा वाई स्क्वायर का कहीं पर जिक्र नहीं है, ठीक है जी, लेकिन यहां पर वाई बार और एक्स बार है, तो वाई बार का एक्स बार का मतलब ये है कि एक्स का जो टोटल है नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दे, हाँ, वो आपके पास एक्स बार आ जाएगा, और वाई का जो टोटल है उसको आप कितने वैल्यूज है 3 है उस पर डिवाइड कर दे तो आपके पास वाई बार आ जाएगा। तो x बार आपके पास आएगा 6 divided by 3 is equal to 2, और y बार आपके पास आ जाएगा 12 divided by 3 is equal to 4, तो y बार is equal to 4। अब पहले b मालूम करें फिर a मालूम करें, तो b आपके पास आएगा sigma xy कितना है 28 minus sigma x sigma y 6 into 12 divided by 3 divided by sigma x square 14 minus sigma x whole square 6 whole square divided by 3, ये आया, अच्छा इसको आप काटें 3 4, 28 minus 24 divided by 14 minus 36 divided by 3, ये 12, तो ये 4 divided by 2, ये आया 2, तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो 2 आया, हाँ जी। अब a की वैल्यू मालूम करें, तो a आपके पास क्या है y bar minus bx bar, y बार आपके पास कितना है 4 है, b आपके पास 2 है और x बार भी आपके पास 2 है, तो 4 minus 4 is 0, तो a आपके पास 0 है। अब आप ये वाला ले लें y hat, यानी जिसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो a is equal to 0 plus 2, x की वैल्यू, अब जैसे हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू आपके पास है
तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसकी जगह वैल्यू खुद से डालते जाए, वाई आपके पास आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 4 है तो 0 प्लस 8 ये 8 आ जाएगा, वाई 8 इज इक्वल टू 8। अच्छा अब वाई 0 प्लस 2 इंटू ये 10 डालें तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, y is equal to 20। इसी तरह आप प्रिडिक्ट करते जाएं। x नहीं लेंगे ये जो ये वाला x है। ये नहीं ना, ये तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, इससे अलग कोई और ले ले वैल्यू। ये तो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है ना, अगर एक ले लेते हैं तो एक आएगा, और चार ले ले फॉर एग्जांपल ये क्या है x और y, एक ले तो दो आ जाएगा, दो लेंगे तो चार आ जाएगा, तीन लेंगे तो छह आ जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ पर आप कोई और वैल्यू ले ले, खुद से वैल्यू ले ले और y को प्रिडिक्ट करें, क्योंकि रिग्रेशन का काम यही है ना, एक बेस्ट फिट लाइन जो स्ट्रेट लाइन खींचता है वही, और एक ये है कि ये वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट की वैल्यू मौजूद है तो। ठीक है जी, अच्छा तो ये रिग्रेशन बेस्ट फिट लाइन खींचना, और दूसरा ये कि अगर वाई का एक्स का वैल्यू है तो वाई को ये प्रिडिक्ट करेगा। तीसरा जो रिग्रेशन के बारे में, ये जो हमने किया है इसको कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है जी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसके अलावा रिग्रेशन के टाइप्स है, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, मल्टीनोमियल रिग्रेशन है, और फिर आपका मल्टीपल रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन। इसी तरह कोरिलेशन में भी आपके पास ये जो हमने किया है ये सिंपल कोरिलेशन था, क्या था सिंपल कोरिलेशन। आपके पास फिर पार्शियल कोरिलेशन भी है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों फर्क ये है कि ये 1:1 है, 1:1 यानी 1 क्वांटिटेटिव और 1 डिपेंडेंट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट है वो क्वांटिटेटिव, और 1 जो है आपके पास डिपेंडेंट है, तो ये पार्शियल कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक तरफ साल्ट है, ठीक है जी, एक तरफ साल्ट है और दूसरी तरफ जो है वो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। कितने अरसे तक आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं और कितना जो आप रोजाना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, तो इसको फिर हम सिंपल कोरिलेशन नहीं कहेंगे बल्कि पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। इसलिए कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने में सिर्फ साल्ट का किरदार नहीं है बल्कि साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल का भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके जो चेंज लाता है इसको फिर हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, सिंपल कोरिलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है जी, लॉजिस्टिक में ये है कि अगर आपके पास जो आउटकम वेरिएबल है वो डायकाटोमस हो, फॉर एग्जाम्पल यस और नो में उसका जवाब हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टीनोमियल में ये है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऑप्शन दो से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल एबनॉर्मल एंड वेरी एबनॉर्मल, तीन ऑप्शन है, ये आपका आउटकम वेरिएबल है और ये कैटेगोरिकल है, तो फिर इसको हम कहते हैं इस पर जो अप्लाई होगा वो मल्टीनोमियल रिग्रेशन होगा। इसी तरह मल्टीपल रिग्रेशन में ये है कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स मिलके आउटकम वेरिएबल को वो अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो वो मल्टीपल रिग्रेशन है। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिग्रेशन।